शुभ प्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 16वां लेसन है जिसका नाम है रक्षा बंधन। क्या है लेसन का नाम? रक्षा बंधन, की जो कि एक त्यौहार है और हम खूब धूमधाम से इसे मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इस लेसन में, चलिए देखते हैं। ओके, तो सभी बच्चे अपनी जो हिंदी की किताबें वो ऊपर निकाल कर रखे और ये लेसन ओपन करके मेरे साथ इस लेसन को अभी समझे, ठीक है। रेखा का बड़ा भाई दिल्ली में नौकरी करता था, उसका पत्र आया है। उसने लिखा है कि मैं रक्षाबंधन के दिन घर आ रहा हूँ। यह समाचार पाकर घर के सभी लोग प्रसन्न है और रेखा तो फूली नहीं समा रही है। भैया उसके कलाई में उसे भैया की कलाई में राखी जो बांधनी है। तो यहाँ पर देखिए, रेखा नाम की एक लड़की है, उसका जो बड़ा भाई है वो दिल्ली में नौकरी करता है। तो उसका लेटर आया है कि उसने लिखा है उसमें कि मैं रक्षाबंधन के दिन घर में आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। यह समाचार सभी पाकर सभी लोग बहुत ही खुश है, प्रसन्न है, और रेखा को तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि उसे अपने भैया की कलाई पर राखी बांधनी है। बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर आया है कि भैया उस रक्षाबंधन के दिन ही घर आए, तो रेखा बहुत ही खुश है। ओके, उसके बाद रेखा अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार गई। उस बाज़ार में दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजी धजी थी। उन पर राखी खरीदने वालों की भीड़ थी। इधर रेखा मनपसंद राखियाँ लेकर घर लौटी, उधर उसके पिताजी बाजार से मिठाई ले आए। तो ये देखिए, यहाँ पर रेखा ने क्या किया है, अपने सहेलियों के साथ वो बाज़ार में गई है। बाज़ार में बहुत सारी रंग बिरंगी राखियों की दुकानें बहुत ही सजी थी, बहुत सारी राखियाँ वहाँ पर थी। उसने अपने मनपसंद की राखी खरीदी और वो घर आई। उधर उसके पिताजी जो तो बाज़ार से मिठाई ले आए। और उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। आज सावन की पूर्णिमा है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार का दिन है। माताजी एक थाली में रोली चावल मिठाई माताजी ने एक थाली में रोली चावल मिठाई सजा दी। रेखा ने उसमें एक सुंदर राखी रख दी। सारी तैयारियां पूरी हो गई। देखिए, जैसे आप लोगों की बहनें आपके लिए राखियों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए जैसे थाल तैयार कर देती है, वैसे भी यहाँ पर क्या किया है, आज सावन की पूर्णिमा है और उसी दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो उस दिन क्या हो रहा है, माताजी ने थाली में रोली चावल और मिठाई सजा दी है। रेखा ने उसमें एक सुंदर सी राखी रख दी। सारी तैयारियां पूरी हो गई है। ओके, उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब सबको राकेश के आने का यानी रेखा के भाई के आने की प्रतीक्षा है, इंतज़ार है। सड़क पर किसी वाहन के आने की आवाज़ होती तो रेखा दौड़कर खिड़की से बाहर झांकती। जैसे ही 10 बजे की राकेश की ऑटो रिक्शा घर के दरवाजे पर आ रुका। उसे देखकर घर में हंसी खुशी छा गई। राकेश ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने। रेखा ने भैया के माथे पर तिलक लगाया, चावल लगाए, कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई। राकेश ने थाली में रुपए रखे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब सबको सारी तैयारियाँ रक्षाबंधन की सारी तैयारियाँ जो है वो ख़त्म हो गई है, तैयारियाँ पूरी हो गई है। अभी सभी को फैमिली मेम्बर्स को राकेश की आने की प्रतीक्षा है, इंतज़ार है। अगर कहीं बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ होती है तो रेखा दौड़कर खिड़की के बाहर
झांकती है, उसे ऐसा लगता है कि मेरा भैया आया ही है। ये उसकी बेचैनी है, ये उसका प्यार है अपने भाई की तरफ। और जैसे ही 10 बजते हैं तो राकेश ऑटो रिक्शा से अपने घर पे आ रुकता है, और उसे देखकर सभी जो घर के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, राकेश ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने, रेखा ने भैया के माथे पर तिलक लगाया, चावल लगाए, कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई, राकेश ने थाली में रुपए रखे। तो देखिए, इसका जो रेखा का भाई है वो बहुत ही दूर से आया है। कहाँ से आया है, दिल्ली में वो नौकरी करता है, और रक्षाबंधन के दिन घर में आ गया है। सभी को उसका इंतज़ार है रक्षाबंधन के दिन भाई आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो रेखा है बहुत ही खुश है। उसने अपनी पसंद की राखी लाई है, सारी तैयारियां पूरी हो गई है, थाल सजा दिया गया है, और अभी राकेश का इंतज़ार हो रहा है। राकेश के आने के बाद सभी बहुत ही खुश है। इसके बाद राकेश जाकर स्नान करता है, नए वस्त्र पहनता है, नए कपड़े पहनता है। रेखा ने अपने भैया के माथे पर, रेखा जो है वो तिलक लगाती है, चावल लगाती है, कलाई पर राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, और राकेश जो पूजा की थाली होती है उसमें रुपए रखता है, और बहन को वो प्यार करता है। प्राचीन काल में जब सैनिक युद्ध पर जाते थे, उनकी बहनें राखी बांधकर मन ही मन में ईश्वर से विनती करती थी कि यह राखी संकट में मेरे भाई की रक्षा करे और वह जीत कर लौटे। राखी बंधवा कर सैनिक भी देश और माँ बहनों की रक्षा का प्रण करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब रेखा का भाई राकेश घर में आता है तो रेखा उसे राखी बांधती है, और जो राकेश होता है वो अपनी बहन को क्या करता है, उसके जो थाल होता है पूजा का उसमें पैसे रख देता है, और बहुत ही प्यार से उसे अपने पास लेता है और प्यार करता है। इसके बाद में देखिए, प्राचीन काल यानी पुराने ज़माने में क्या होता था, जब सैनिक युद्ध पर जाते तो उनकी जो बहनें हैं वो राखी उनके हाथों में बांधती थी और मन ही मन में ईश्वर से विनती करती थी कि ये जो राखी है ये मेरे भाई पर जो आने वाला संकट है वो तो उस संकट से मेरे भाई की वो रक्षा करे। और राखी बंधवा कर सैनिक भी अपने देश की जो माँ बहनें हैं उनकी रक्षा का प्रण करते हैं, प्रण यानी पक्का निश्चय करते हैं। तो ऐसा है, ये राखी का त्यौहार बहुत ही प्यारा होता है और हम सब इसे मनाते हैं। एक बार गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करी। देखिए अगले पैराग्राफ में क्या दिया गया है, एक बार गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब वहाँ की महारानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। उस राखी को स्वीकार करके हुमायूं सेना लेकर बहन कर्मवती की सहायता के लिए चल पड़े थे। रक्षाबंधन का यह त्यौहार बहन भाइयों को पवित्र प्रेम की डोर से बांधकर हमारी एकता को पक्का करता है और देश की रक्षा का ध्यान दिलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बार गुजरात के जो बादशाह होते हैं उन्होंने क्या किया है, चित्तौड़ पर चढ़ाई करी है या वो जीतने के लिए वहाँ पर गए हैं, ओके, लड़ाई करने के लिए। तो वहाँ की जो महारानी जो होती है, चित्तौड़ की महारानी होती है कर्मवती, उसने अपने दिल्ली का जो बादशाह होता है हुमायूं को राखी भेजी होती है। उस राखी को स्वीकार करके हुमायूं सेना लेकर अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए आता है। मतलब इस राखी के दिन बहन भाई से प्यार करती है और भाई उसकी रक्षा का प्रण लेता है, उसकी रक्षा का पक्का निश्चय करता है। तो इस
रक्षाबंधन के त्यौहार पर, इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार का यही महत्व है कि भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा का उस दिन प्रण लेता है और बहन भी उसकी रक्षा का उसकी रक्षा करने का प्रण लेती है, उसका उसकी रक्षा से रक्षा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। तो ये है ऐसा हमारा जो राखी का त्यौहार है हम सब मनाते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है देखिए, रक्षाबंधन माँ बहनों की रक्षा का त्यौहार है, हमें देश की रक्षा का भी बंधन अंगीकार है, स्वीकार है। शिक्षा, रक्षाबंधन एक विशद विशुद्धक व्यापक शब्द है जो सबल सामर्थ्यवानों को अपने से निर्बल की सहायता का मंत्र पढ़ाता है। भाई बहन की रक्षा का दायित्व जुड़ा है, भाई बहन की रक्षा का दायित्व इस रक्षाबंधन से जुड़ा है। देखिए अपने जहाँ पर भी रक्षाबंधन मनाया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर भाई जो होता है उस दिन अपने बहन की रक्षा का प्रण लेता है और जो बहन होती है वो भी अपने भाई से बहुत ही प्यार करती है, हमेशा उसकी हर बात में सहायता करती है और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि जो भी कुछ संकट मेरे भाई पर आने वाला है वो टल जाए। और ऐसे इस पवित्र रक्षाबंधन इस लेसन को हमने अभी देखा है और हम सभी इस त्यौहार को बहुत ही प्यार से और आदरपूर्वक मनाते हैं, ठीक है। तो ये लेसन आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।